और थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। कमेटी के सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए स्मृति ईरानी भी पहुंची है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। हालांकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी जो कि पहुंच चुकी है और साथ ही उनका स्वागत किया जा रहा है, ये उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें कई सांसद भी शामिल हो सकते हैं। तो थोड़ी देर में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक शुरू होनी है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और साथ ही ये भी बताएं कि कौन कौन से बीजेपी के लीडर पहुंच सकते हैं बैठक में? बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इस बैठक में राजनाथ सिंह के साथ साथ पीयूष गोयल पहुंच गए, स्मृति ईरानी पहुंच गए, अर्जुन मुंडा पहुंच गए, रविशंकर प्रसाद पहुंच गए, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पहुंच गए हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राधा मोहन अग्रवाल जो है बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव वो भी इस बैठक में है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद यह बैठक होगी और इसमें निश्चित तौर पर चर्चा किया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है क्या तैयार किया जाए, किस विजन के साथ जो है बीजेपी 2024 के समर में उतरे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें निश्चित तौर पर 2037 को विकसित भारत बनाने की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बात करते हैं उसका कहीं ना कहीं रोड मैप जो है मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार 2037 में भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय की बात करते हैं उस विजन को कैसे पूरा किया जाए इसकी चर्चा जो है वो जरूर होगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार चर्चा करते रहते हैं, महिलाओं की चर्चा करते हैं, युवाओं की चर्चा करते हैं, किसानों की चर्चा करते हैं, गरीबों की चर्चा करते हैं, तो निश्चित तौर पर इन मैनिफेस्टो इसमें जो मैनिफेस्टो तैयार होगा उसमें इन सभी वर्गों की भी बात होगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसकी कहीं ना कहीं झलक जो है वो देखने को मिलेगी। इसको लेकर के मैनिफेस्टो को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे देश में मोबाइल वैन को जो है वो हरी झंडी दिखाई थी। उस वैन के माध्यम से भी लोगों से फीडबैक लिए गए थे, साथ ही साथ सोशल मीडिया से भी के माध्यम से भी लोगों से फीडबैक लिए गए थे और सभी फीडबैक पर डिस्कस किया जाएगा। जब इस मोबाइल वैन को जब लॉन्च किया गया था मैनिफेस्टो को फीडबैक लेने के लिए तब उस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब हमारी बात हुई थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि 1 करोड़ से भी अधिक फीडबैक जो है वो लिए जाएंगे और निश्चित तौर पर जो फीडबैक मिले हैं उन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर होगी जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 में एक विकसित भारत की बात करते हैं, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर के बीजेपी क्या करना चाहती है, उसको लेकर के बीजेपी के क्या वायदे होंगे, इसकी झलक जो है वो इस बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखने को मिलेगी। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विनीत आपका। कौशाम्बी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चंगाई सभा के आड़ में सामूहिक धर्मांतरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पादरी समेत 9 नामजद और साथ ही एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इलाज में मदद, नौकरी और साथ ही सुंदर लड़की से शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराते थे। साथ ही भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के नाम पर भी लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराते थे। सैनी थाना के केसरिया गांव का ये पूरा मामला है जहां पर न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों पर FIR दर्ज की है। शाजापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश जिला बदर होने के बावजूद जिले में छिप कर रह रहा था जिसको गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। सिंधोली थाना इलाके के उमरिया का मामला। शाजापुर पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है और पुलिस के खिलाफ अभियान चलाकर फरार चल रहे 5 वारंटी को गिरफ्तार किया गया।
सभी वारंटियों की गिरफ्तारी अलग अलग इलाके से हुई है। थाना शहरा मऊ दक्षिणी इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर 5 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाकर 5 वारंटियों को हिरासत में लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।